अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं आपको कदर रजा खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। गुजरांवाला से थाना सैटला डोंग के सामने मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मोटरसाइकिल पर सवार दो मुलजमान आए और फायरिंग शुरू कर दी। इसी पर मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अली शराजी से। जी अली शराजी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना सैटला टाउन के सामने मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से नौजवान कत्ल। मोटरसाइकिल पर सवार दो मुलजमान आए और फायरिंग शुरू कर दी। एनी शहाद मकतूल चिंगची रक्षा चलाता था। मुलजमान ने सर पर गोलियां मारी। थाना सैटला टाउन पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कत्ल जायदाद के तनाजा पर हुआ। जायदाद के तनाजा पर दोनों खानदानों में ये पांचवा कत्ल है। मकतूल सकलैन के वालिद ने बताया, मकतूल के मामू के बेटों ने मेरे बेटे को दिन दहाड़े नहक मार दिया है। वालिद की रो रो कर दुहाइयां। कत्ल की वारदात के बाद मुलजम असद और वसीम फरार हो गए। कत्ल दरीना दुश्मनी का शाखसाना है। जी बहुत शुक्रिया अलीश साजी, हम तब सिलसिला करने।